हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। जैसा कि हमने पहली वीडियो में कहा था कि सबसे पहले हम लोग यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के थ्रू इस एग्ज़ाम के बारे में जानना शुरू करेंगे, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी बेसिक्स, तो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन है वो है क्या और वो कैसे भरा जाता है, उसके क्या स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन है, ये आज डिस्कस करेंगे। तो ये यूपीएससी का चूँकि अभी 2024 तो शुरू हुआ नहीं है, पिछला 2023 का ये नोटिफिकेशन है। 1 फरवरी 2023 को ये आया था जैसे कि आप देख सकते हैं। और सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है इसमें पहला चीज़ बोला गया है कि कैंडिडेट टू इंश्योर दैट देयर एलिजिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, तो एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो उसमें कोई भी कैंडिडेट हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों जेंडर के लोग इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। एंड दे आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये इसको इस एग्जामिनेशन के रूल्स को नोटिफाई करता है। और द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसको आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन है, इसकी वेबसाइट है upsc.nic.in, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्लेटफॉर्म भी है, तो पहले आपको इस पे OTR पे रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और कुछ मॉडिफिकेशंस OTR प्रोफाइल में, अगर आपने पहले प्रोफाइल बन चुका है तो क्या आप और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये दिया गया है द चेंज इन दी OPD OTR प्रोफाइल शेल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 डेज, तो 7 डेज का एक विंडो पीरियड है यहाँ। इसके अलावा मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको मॉडिफाई कराना है तो उसका भी डेट दिया गया हुआ है। फिर आगे कुछ रूल रेगुलेशन है कि कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ, अगर आपका एक ने फॉर्म भरा अगर वो गड़बड़ हो गया तो विड्रॉ जो है आप नहीं कर सकते हैं, आपको दोबारा एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है कोई फ़ोटो आईडी लगेगी, लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप लगा सकते हैं। जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एग्ज़ाम है वो नोटिफाई रहता है, जैसे इस बार 21 फरवरी का था, 2024 में जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें नेक्स्ट फ्रेश डेट दिखी रहेगी। और पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये पहले लगाया गया था कि क्योंकि पहला जो टर्म होता है ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का होता है, तो पेनल्टी जो है निगेटिव मार्किंग्स जो है होती है इस एग्जामिनेशन में, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसके अलावा कुछ अदर गाइडलाइंस हैं और कुछ लाइक मोबाइल बैन है, ऑब्वियसली कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसमें मोबाइल बैन ही रहेगा। इसके अलावा कुछ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से किस पोस्ट पे किस कौन सी सर्विसेज होती हैं, तो ये लिखी गई हैं और ये बहुत ज़रूरी है। तो लाइक अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट जो INDS बोलते हैं जिसे, फिर इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज हैं, इंडियन कोऑपरेटिव लॉ सर्विसेज है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है, इंडियन पोस्टल सर्विस है, इंडियन PNT अकाउंट फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विसेज है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जिसको IRS बोला जाता है, IRS है, IRS दो होता है, एक कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का और एक IRS ऑफ इनकम टैक्स। और इसके अलावा जो इंडियन ट्रेड सर्विसेज होती हैं, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट जो IRMS स्टार्ट है, और आर्म फोर्स के लिए सर्विसेज होती हैं, अभी तक की इतनी सर्विसेज थी ग्रुप ए सर्विसेज थी, और इसके बाद कुछ ग्रुप बी सर्विसेज हैं लाइक अपना आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स की, और जो डेनिक्स ग्रुप होता है दिल्ली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन दीव, और डेनिम्स होता है जो इन्हीं सब की आई पुलिस सर्विसेज होती हैं, और पांडिचेरी सिविल सर्विसेज एंड पांडिचेरी पुलिस सर्विसेज, ये इतनी सर्विसेज होती हैं। और लगभग 1000 के आसपास वैकेंसीज निकलती हैं हर साल, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, और इस साल जैसे काफ़ी अच्छी जो है 1100 लगभग वैकेंसीज थी, और इसमें 37 वैकेंसीज जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए थी, 7 वैकेंसीज जो थी ब्लाइंडनेस और लो विज़न के लिए, 5 वैकेंसीज डीफ एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ के लिए, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए, इस तरह अलग अलग में उन्होंने रिजर्व भी किया हुआ था।
अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी का है तो वो इस नोटिफिकेशन के इस सेक्शन में डिटेल्स जा सकता है। इसमें उन्होंने पूरा क्राइटेरिया दिया रखा है कि किस सर्विस में कितनी डिसेबिलिटी, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, और उसके क्राइटेरिया। तो ये आप जो है इस नोटिफिकेशन में आप कवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है सेंटर्स की बात की गई है, तो प्रीलिम्स और मेंस के सेंटर बताए गए हैं। प्रीलिम्स चूंकि ज़्यादा लोग देते हैं इसलिए प्रीलिम्स के 79 सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, और मेंस के जो है 24 सेंटर्स हैं। और 79 सेंटर्स में डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंटर्स हैं। अगर जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जो कि इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, तो उसमें अगर हम बात करें तो देखिए जैसे ये आगरा सेंटर है, आगरा के बाद ये अलीगढ़ इन्होंने दे रखा है, अलीगढ़ के बाद जो है ये देखिए ये बरेली, बरेली सेंटर है यूपी का। इसके बाद ये हो गया, फिर आप अगर आएंगे गौतम बुद्ध नगर जो इसको नोएडा बोलते हैं लोग, फिर गाजियाबाद, गोरखपुर, ये सारे यूपी के इतने ढेर सारे सेंटर्स हैं क्योंकि यूपी में ऑब्वियसली पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और कैपिटल इटसेल्फ लखनऊ। और अगर बात करें जो पहले जिसको इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज, और बात करेंगे वो लास्ट में ये वाराणसी। तो इतनी देखिए सेंटर्स हैं, इसी तरह स्टेट वाइज सेंटर्स हैं। और मेंस के सेंटर जो है ऑब्वियसली कम हो जाते हैं। अगर मेंस में यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हम यूपी का एग्जांपल लेके चलें तो यूपी में जो एक कैपिटल सिटी है लखनऊ, वहाँ पे ऑब्वियसली रहेगा ही, और इसके अलावा एक प्रयागराज जो कि एक हब माना जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। तो ये दोनों जगह मेंस के सेंटर हैं। तो आप इस लिस्ट के थ्रू अपने जो भी नियरेस्ट सिटी है वहाँ पे अपना सेंटर जो है अलॉट कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है द अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट सर्विस बेसिस। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल होता है कि जितनी जल्दी आप एग्ज़ाम को भर सकें उतनी जल्दी पेपर जो है एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करें ताकि आपको अपना जो मनपसंद सेंटर मिल सके। इसके बाद जो है इसमें उन्होंने प्लान ऑफ सर्विसेज जो है डिलिनेट किया है कि जो है इसकी दो स्टेजेस होती हैं, और जो पहली स्टेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके बाद इसको में इस स्टेज के बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए लोग सेलेक्ट होते हैं। मेंस के जो दो फर्दर पार्ट होते हैं, एक रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, और फिर फाइनली सिलेक्शन होता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया गया है इसमें, तो तीन सर्विसेज हैं लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस ना, IAS, IPS और IFS। इसमें जो है कैंडिडेट मस्ट बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया ना, वो इंडियन ही इसको भर सकते हैं। इसके अलावा जो जितनी भी अदर सर्विसेज हम लोगों ने देखा है उसमें इंडियन के साथ साथ ना कोई सिटीजन है नेपाल का, भूटान का, कुछ तिब्बतन रिफ्यूजी है, और कुछ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कुछ स्पेसिफिक कंट्री हैं वहाँ के लोग भी, बाकी सारी भर सकते हैं एक्सेप्ट IAS, IFS और IPS। इसके बाद जो एज लिमिट है, जो मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है देने की, और इसके लिए कट ऑफ क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है हर साल के लिए रहता है। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है जिसमें अपर एज लिमिट जो है ये इसको रिलैक्स किया सकता है। अगर हम बात करें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के SC ST के कोई कैंडिडेट हो तो उसको मैक्सिमम 5 ईयर्स का जो है अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है, मतलब उसकी अपर एज लिमिट 32+5 यानी 37 ईयर्स तक वो दे सकता है। मैक्सिमम 3 ईयर्स है अगर कोई OBC से बिलोंग करता है तो, और मैक्सिमम 3 ईयर्स है अगर कोई डिफेंस पर्सनल है, और मैक्सिमम 5 ईयर्स है एक सर्विसमैन का। इसी तरह के अलग अलग पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग क्राइटेरिया हैं। इसको अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करता है तो अपने हिसाब से एज रिलैक्सेशन ले सकता है अगर वो मिनिमम 32 साल से ऊपर हो चुके हैं तो। और इसके बाद कुछ जनरल रूल्स हैं, और फिर बताया गया कि अगर कोई भी आपको कम्युनिकेशन करना है UPSC के थ्रू किसी भी वजह से तो ये आपको अपने पर्टिकुलर्स डालने होंगे लाइक नेम जो है, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, और ये सारे पर्टिकुलर्स डालने के बाद ही जो भी आपने कम्युनिकेशन किया है उसको UPSC इंटरटेन करेगी, विदाउट उसके प्रॉपरली नहीं करेगी। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, केवल एज ही नहीं है। तो इसमें है कि द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री है, तो जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है वो चाहिए चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो। तो यानी कि कोई 12th पास ना, अगर कोई चाहे हम एग्ज़ाम देना चाहे तो वो नहीं दे सकता है,
ग्रेजुएशन मिनिमम डिग्री है, उसके ऊपर की डिग्री आप चाहे जो भी हो, आपकी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने पीएचडी कर रखा है, डजेंट मैटर। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी बात की गई है, तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं ये परमिटेड, टोटल परमिटेड 6 जो है नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं। हालांकि इसमें भी अटेम्प्ट्स में भी रिलैक्सेशन, जैसे एज में रिलैक्सेशन मिला है, इसी तरह अटेम्प्ट्स में भी रिलैक्सेशन होता है। तो ओबीसी कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो उसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9 मिलते हैं। SC ST में ये अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड हो जाते हैं। और PWD के लिए भी जो है, PWD कैंडिडेट किस कैटेगरी का है उसके बेसिस पे, अगर जनरल EWS या OBC का है तो 9, और SC ST का है तो अनलिमिटेड। तो इतने ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको दे सकते हैं एग्जामिनेशन में। और इसके अलावा कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कौन की एप्लीकेशन के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ये जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें ये सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। और इसके अलावा जो फी है ना, अगर फी की बात करें तो जो है 100 रुपये एकदम मिनिमम कॉस्ट जो है, 100 रुपये का एक काफ़ी छोटा अमाउंट देना पड़ता है किसी भी व्यक्ति को जो अप्लाई करना चाहता है। और इसमें भी जो फीमेल हैं, SC हैं, ST हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, ऐसे कैंडिडेट को इससे भी एग्जेप्शन मिला हुआ है, तो उनमें कुछ भी पैसा नहीं लगता है। और ये आप फी जो है ये आप जो है बाई कैश कर सकते हैं, SBI से चालान बनवा के, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अपना कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, या फिर UPI पेमेंट जो अपना, ये भी अलाउ कर दिया गया है। तो इतनी चीज़ों से आप फी पे कर सकते हैं। और फी से रिलेटेड ही कुछ कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हाउ टू अप्लाई, इसको एक डिटेल प्रोसेस स्टेप वाइज बताया गया है कि अगर आपको अप्लाई करना हो तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, upsconline.nic.in, और वहाँ पे जाके पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर पहले से OTR प्रोफाइल आपकी बन चुकी है तो आप उसमें सर्टन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। और उसके बाद स्टेप वाइज स्टेप आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा नोट में ना, अगर द कैंडिडेट हु आर और हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाई द कमीशन टू बी गिल्टी ऑफ ना, तो अगर ये सारे कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिधर इसकी गिल्टी हैं, तो तब भी आप, देर कैन बी अ ट्रबल टू यू। और इसके अलावा द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन ये दिया रहता है, तो वो भी अब अगले साल का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियरली मैंशन रहेगा। ये 2023 का जो लेटेस्ट UPSC नोटिफिकेशन है ये उसकी बात हो रही है। और करस्पॉन्डेंस फॉर विद द कमीशन, इसके लिए भी उन्होंने इसका प्रोसेस कैसे है ये बता रखा है, तो इसको आप अपने हिसाब से गो थ्रू कर सकते हैं। और रिजर्वेशन वैकेंसीज की कैसी होगी फॉर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये दिया हुआ है, अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो अपने हिसाब से जो इसको हर डिसेबिलिटी की में सब कैटेगराइज किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन जो है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जो रिजर्व कम्युनिटी है ना, तो वो सेंट्रल लिस्ट ऑफ रिजर्व कम्युनिटी जो है ना वो मान्य होगी, स्टेट लिस्ट नहीं। और अगर कोई OBC कैंडिडेट है तो उसको अपना जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये देना होगा डिपेंडिंग ऑन दी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। और इसी तरह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोई कैंडिडेट अगर रिजर्वेशन अवेल करना चाहता है तो उसको भी EWS का अपने सर्टिफिकेट लगाने होंगे। और इसके अलावा जो है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की है, तो द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ, उसमें साफ साफ लिखा गया है, अगर एक बार एडमिशन कर दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम दिए देने जाएँ ना देने जाएँ ये आपकी मर्ज़ी ना, आपकी सीट खाली रहेगी अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, या अगर गलत भर गया है तो आप उसको दोबारा एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया नोटिफिकेशन। और फिर कमिंग टू दी इसके इस मेन नोटिफिकेशन तो 23 पेज का ही है, इसके बाद जो है कुछ अपेंडिक्स हैं ना, तो जैसे जो अपेंडिक्स 1 है ये प्लान एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए है, और इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में, अभी हम बाकी के अपेंडिक्स देख लेते हैं। तो जो अपेंडिक्स 1 के बाद जो अपेंडिक्स 2 आता है, ये अपेंडिक्स 2 है,
इज विद द रिलेशंस रिलेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये आप अभी थोड़ा बहुत हमने देखा भी है पहले, इसको समराइज कर दिया है इन्होंने अपेंडिक्स 2 के में। तो आप इससे स्टेप वाइज स्टेप जो है अपना फॉर्म सबमिट भर सकते हैं। इसके अलावा उसमें अपेंडिक्स 3 में इसमें बोला गया है विड्रॉल, तो विड्रॉल इज़ नॉट अलाउड, इन्होंने दोबारा इसको बोला है। अपेंडिक्स 4 जो है ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। बहुत से हो सकता है कैंडिडेट हो जो कभी पहले कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम ना दिए हो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आते हैं, तो वो लोग जो है उनके लिए, उनको फेमिलियर करने के लिए एक प्रॉपर जो है जो OMR शीट होती है उससे रिलेटेड उन्होंने इंस्ट्रक्शन बताए हैं कि कैसे बबल फिल किया जाता है और कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको कैंडिडेट डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर अपेंडिक्स हैं, लाइक अपेंडिक्स 5 है, तो ये रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एन एग्जामिनी टू राइट। तो अगर आप खुद से एग्ज़ाम राइट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, तो जो स्क्राइब के लिए ये अपेंडिक्स भरना पड़ेगा। और अपेंडिक्स 6 जो है ये जो है वही अगर इस लेटर ऑफ अंडर टेकिंग है फॉर यूजिंग दी ओन स्क्राइब। और अपेंडिक्स 7 दिया गया है, इसमें जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए जो एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट लगाना होता है उसका ये प्रोफार्मा दिया है, इस प्रोफार्मा में जो है सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और उसके बाद जो ये भी अपेंडिक्स 8 ये भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है बाय दी पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। और ये सारी चीज़ें हो गई अपेंडिक्स। तो टोटल जो मेन नोटिफिकेशन ये 159 पेज देख रहे हैं आप, इसमें सिलेबस वगैरह भी है जिसको हमने अभी बाईपास कर दिया है, तो इतने 159 का डिटेल्ड जो है नोटिफिकेशन होता है UPSC का। इसके अलावा कुछ अदर भी डॉक्यूमेंट्स देता है UPSC नोटिफिकेशन समय अपनी वेबसाइट पे ही। फॉर एग्जांपल जो है अदर से ये इंस्ट्रक्शन देता है फॉर द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये जैसे अपेंडिक्स में दिया गया था उसको बाद में ये अपने जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उस समय भी डिटेल में ये सारे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, उसको आप कायदे से देख सकते हैं। और इसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते समय एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करते समय जो इंस्ट्रक्शन है उसको ये एकदम रियल टाइम जो जिस तरह की वेबसाइट होती है उस वेबसाइट से ही अपना देख के ये बताता है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म फॉर्मेट होता है वेबसाइट का, ये फॉर्मेट एकदम स्पेसिफिक दिया हुआ है और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे, फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद जो है न्यू रजिस्ट्रेशन अगर पहले से नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें जितने भी पर्टिकुलर्स हैं अपना नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 10th क्लास का रोल नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ये सब आपको भरना है। और उसके बाद जो है लॉगिन करना सक्सेसफुली अगर जब OTR आईडी और पासवर्ड डाल के, और उसके बाद जो है फर्दर लेटेस्ट नोटिफिकेशन टैब में क्लिक करेंगे। ये जिस तरह वेबसाइट आती है UPSC की उसी तरह उन्होंने दे रखा है, और इसको आप फॉलो करते हुए डिटेल जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ये फॉर्मेट है इसको आप फिल कर सकते हैं। और ये हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि प्रॉपर ये आप जो सैंपल होता है UPSC अपना डालता है इसको आप पहले से अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, ताकि कोई फॉर्म भरते समय बीच में दिक्कत ना हो और आपको गलत फॉर्म ना भरा जाए, दोबारा भरना का पेन ना लेना पड़े, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो है कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स मेंस एग्ज़ाम के लिए भी मांगी जाती हैं उसी समय, तो मेंस एग्ज़ाम की भी सर्टन डिटेल्स ना ये प्री का फॉर्म भरते समय मांगी जाएंगी, तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है डिक्लेरेशन बॉक्स होता है, डिक्लेरेशन बॉक्स देना होता है कि सारी हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो सब सही है। और ये Part 1 होता है इसका, Part 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन भी होता है। जब Part 1 हो जाएगा तब आप इसको एक प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद जो है Part 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन में आप प्रोसीड करेंगे। Part 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से टैब दिखाएगा आप वेबसाइट पे ही, उसको आप आगे प्रोसीड करेंगे और उसको फर्दर 3 स्टेप्स हैं उसके कंप्लीशन के लिए। उसमें मेनली फी पेमेंट करना होता है और सेंटर लेना चूज करना होता है प्रिलिम्स का, और अपलोड करने होते हैं कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आईडी और अदर कोई रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है लाइक अपना कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें अपलोड करने वाली चीज़ें ये सब Part 3 में ही आती हैं। और उसके बाद फाइनल जब फी सबमिशन हो जाएगा तो
जो है एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है और लास्ट में अपना लास्ट डेट ऑफ जो है एप्लीकेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ये दिया रहता है। तो ये हो गया सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन संबंधित जो बेसिक जानकारी। ये ऑथेंटिक आपके लिए यूपीएससी नोटिफिकेशन से ही हमने लाया है और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो पॉज करके जूम करके आप देख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते ही रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विथ जो हमने अपेंडिक्स वन छोड़ रखा है उसको डिटेल में प्लान ऑफ स्कीम और जो है एग्जामिनेशन के बारे में समझा जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।